गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो आपका चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स हमने अभी तक कवर करा था, उसका बुक वर्क हम कर चुके हैं। अब जो है हम जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर विच इज व्हाट इज लस्टर। लस्टर मैं बता चुका हूँ आपको, व्हाट इज लस्टर। साइन ऑफ मटेरियल जो होता है आपका लस्टर होता है। एग्जाम्पल साइकिल हैंडल एंड सिल्वर चटनी, ठीक है। डिफरेंशियल बिटवीन सोल्यूबल इनसोल्यूबल हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। सोल्यूबल इनसोल्यूबल कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो आपके सोल्यूबल होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं वो आपके इनसोल्यूबल होते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट, अगर आप दो सर्फेस को लेते हो और उनको एक दूसरे के ऊपर रब करते हो तो जो सर्फेस दूसरी सर्फेस को रब करके और खराब कर देती है वो आपकी जो होती है हार्ड सर्फेस होती है, और जो सर्फेस खराब हो जाती है वो आपकी क्या होती है सॉफ्ट सर्फेस होती है। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होते हैं जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट भी अपने में से लाइट को पास होने देते हैं लेकिन अपने लाइट का कुछ पार्ट ही यानी पार्शियली पास होने देते हैं लाइट को। ट्रांसपेरेंट में तो फुल लाइट पास हो जाती है, लेकिन ट्रांसलूसेंट में जो है लाइट जो है पास होती है लेकिन लाइट का कुछ पार्ट ही मटेरियल में से पास होता है। ओके, अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम जो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हैव अ फ्यू कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिल्वर कॉपर और जो एल्यूमिनियम है लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो जो है अलग अलग दिखते हैं लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है जो तीनों में सेम होती है, मतलब जो है सिल्वर कॉपर और एल्यूमिनियम दिखने में तो अलग अलग दिखते हैं लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। कौन कौन सी, जो ये ऑल दी सब्सटेंस आर मेटल, जो ये तीनों सब्सटेंस है सिल्वर कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है मेटल्स है और मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है सेम होती है। कौन कौन से, ऑल मेटल्स जो है कंडक्ट हीट हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और मैग्नेटिक को, ये क्या होते हैं मैग्नेटिक होते हैं। ध्यान रखना आपको तीन प्रॉपर्टीज दी है हीट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक, और ये तीनों ही जो है अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो है इनको क्लासिफाई करना है कंडक्टर और इंसुलेटर के बेसिस पे इनको क्या करना है क्लासिफाई करना है, इनको क्लासिफाई करना है। ये कुछ चीजें जो ये जैसे प्लास्टिक कॉपर वुड एयर वाटर सिल्वर एल्यूमिनियम मर्करी रबर ग्लास ये सारी जो है इनको क्लासिफाई करना है। तो जो कंडक्टर इंसुलेटर जो कॉलम बनाना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, प्लास्टिक कॉपर वुड एयर वाटर सिल्वर एल्यूमिनियम मर्करी रबर ग्लास, जो है ये कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं और इनको किसके बेसिस पे क्लासिफाई करना है कंडक्टर और इंसुलेटर के बेसिस पे जो है इसको क्लासिफाई करना है। ये जो है कंडक्टर और ये इंसुलेटर, कंडक्टर में आपका कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम मर्करी वाटर जो है आपको उसमें आ जाएगा और इंसुलेटर जो है प्लास्टिक वुड एयर रबर जो है आपका इंसुलेटर में आ जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ डू द मॉलिक्यूल्स बिहेव इन सॉलिड लिक्विड और गैस, जो है सॉलिड लिक्विड ओनली लिक्विड और गैसेस में जो है मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है क्लोजली पैक रहते हैं किसमें सॉलिड्स के अंदर और जो है लिक्विड्स के अंदर जो है पैक तो रहते हैं लेकिन सॉलिड के कंपेरेटिवली थोड़े से लूज रहते हैं और गैसेस में तो है ना बिल्कुल ही लूज रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर हमने डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग आंसर डिफाइन क्लासिफिकेशन, ओके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपका डिफाइन क्लासिफिकेशन, व्हाई डू यू क्लासिफाई थिंग्स, क्लासिफिकेशन क्या होता है और हम जो है थिंग्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन होता है द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन होता है आपका, ठीक है। और क्लासिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो है टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस वी नीड टू क्लासिफाई देम, ठीक है। हाउ आर डिफरेंट मटेरियल ग्रुप डिपेंडिंग, डिफरेंट मटेरियल जो है उनको उनकी ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो बेस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ऑप्टिक, ठीक है। तो द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, एग्जाम्पल जो इवेपोरेटर ग्लास कॉमा वाटर। द मटेरियल विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट आफ्टर ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक क्या होता है, ओपेक वो होता है जो अपने में से लाइट को बिल्कुल भी
अलाउ नहीं करता है पास, जो इसके एग्जाम्पल आते हैं गोल्ड और कार्डबोर्ड हो जाएंगे और ट्रांसमिशन के बटर पेपर फ्रॉस्टेड ग्लास हो जाएंगे। ठीक है, ये है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, और कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, अपन को जो है तीन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी। कौन कौन सी है तीन प्रॉपर्टीज अपन को एक्सप्लेन करनी, तो मैंने तीन जो प्रॉपर्टी की है लस्टर की है, हार्डनेस की है और रफनेस की है। लस्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शाइन ऑफ द मटेरियल होता है। ठीक है, रफनेस मैं बता चुका हूँ, तो मटेरियल कैन बी रफ और स्मूथ। रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ मटेरियल कैसे फील करेंगे, मतलब जो है किसी भी मटेरियल को टच करके अपन पता लगा सकते हैं कि वो जो सरफेस है वो रफ है या स्मूथ है। ठीक है, हार्डनेस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बीइंग स्ट्रेंथ इज नोन एज हार्डनेस। ठीक है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल बीइंग स्ट्रेंथ इज नोन एज हार्डनेस। ठीक है, व्हेन द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर द सरफेस विच स्ट्रेंथ इज सेड टू बी हार्ड। मैं पहले वाले डेफिनेशन में बता चुका हूँ, जो सरफेस स्क्रैच करती है वो हार्ड होती है, जो सरफेस स्क्रैच हो जाती है वो आपकी सॉफ्ट होती है। नाउ अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मैं बता चुका हूँ, जो आपका हीट कंडक्ट करते हैं वो आपका कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो हीट कंडक्ट नहीं करते हैं वो इंसुलेटर ऑफ इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम ही है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो आपके कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और जो नहीं पास होने देते हैं वो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर उनको कहेंगे। ठीक है, मेटल जो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सेम इसमें मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।